हेलो फ्रेंड्स, क्या आपने सोचा है कि दिवाली पे जो बचे हुए खेल होते हैं उसका किस तरीके से यूज किया जाए। तो आज के इस वीडियो में फ्रेंड मैं आपके साथ दिवाली पे बचे हुए खेल के एक ऐसे नाश्ते की रेसिपी शेयर कर रहे हैं फ्रेंड, जिसे बनाना तो बहुत ही ज़्यादा आसान है, कम इंग्रेडिएंट के साथ और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी नाश्ता बन के तैयार होगा। अगर आपको ये आज के नाश्ते की रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए फ्रेंड देख लेते हैं खेल का मज़ेदार नाश्ता बनता कैसे है। तो इसे बनाने के लिए यहाँ पे आपको लेना है 2 कप खील। तो ये देखिए फ्रेंड, मैंने यहाँ पे खील ले लिया है और इसे एक बार आप इसे ड्राई रोस्ट कर लीजिएगा, इसे हल्का सा भून लीजिएगा ताकि खील में जो भी मॉइस्चर हो वो खत्म हो जाए, यानी कि खील थोड़ा सा कुरकुरा हो जाए। ये देखिए, तो यहाँ पे ये सभी चीज़ें मैंने पहले से कर ली है, देख सकते हैं यहाँ पे जो खील है एकदम कुरकुरा हो चुका है। तो आप इसे थोड़ा सा ड्राई रोस्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे खील बिल्कुल रेडी है। तो इस खील का हम क्या करेंगे, इसका एक पाउडर बना के तैयार करेंगे। तो चलिए फ्रेंड, अब हम इस खील को एक ग्राइंडिंग जार में पीस लेते हैं। तो यहाँ पे हमने ग्राइंडिंग जार ले लिया है और इस खील को हम इसमें डाल देंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं मैंने खील को एक ग्राइंडिंग जार में डाल दिया है और इसे पीस के एकदम फाइन सा हम इसका पाउडर बना के तैयार करेंगे। और ये लीजिए फ्रेंड, आप देख सकते हैं इसका पाउडर बन करके बिल्कुल तैयार हो चुका है। ये देखिए एकदम फाइन सा, बिल्कुल दलदला बिल नहीं रखना है आपको, एकदम पाउडर फॉर्म में से बना के तैयार करना है। ये लीजिए देख सकते हैं आप, तो बिल्कुल ऐसे ही तैयार करना है। तो चलिए फ्रेंड, अब हम इसे एक अलग बोल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए फ्रेंड, मैंने इसे एक अलग बोल में निकाल लिया है। अब हम इसमें डाल देंगे, यहाँ पर 1 कप गेहूं का आटा डाल देंगे। साथ ही मैं इसमें ऐड करूँगी यहाँ पे 1/2 छोटा चम्मच अजवाइन और थोड़ा सा मैं इसमें कसूरी मेथी ऐड कर दूँगी और टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें ऐड कर देंगे नमक। अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं यहाँ पर 2 चम्मच के लगभग घी ऐड कर देंगे इसके मोयन के लिए और इसे अच्छे से हम यहाँ पर मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे आपको ज़्यादा मोयन का भी इस्तेमाल नहीं करना है, बस 2 चम्मच घी काफ़ी रहेगा। थोड़ी सी धनिया पत्ती डाल दीजिएगा और इनको कर लीजिएगा अच्छे से मिक्स। अब हम इसमें ऐड करेंगे यहाँ पर पानी। तो थोड़ा थोड़ा सा पानी डालते जाइएगा, इसका आटा गूंथ लीजिएगा। यहाँ पे हम जो इसका आटा रेडी करेंगे वो रोटी के जैसा आटा रेडी करेंगे, जैसे रोटी के लिए हम आटा रेडी करते हैं एकदम मीडियम आटा, तो बिल्कुल वैसे ही आपको यहाँ पे आटा रेडी करना है। और देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारा आटा है बिल्कुल रेडी हो चुका है, देख सकते हैं एकदम हमने इसका मीडियम डो बना के तैयार कर लिया है। तो अब हम इसे क्या करेंगे, इसे हम तुरंत इसका नाश्ता बिल्कुल भी नहीं बनाएंगे, इसे सेट होने के लिए हम यहाँ 10 मिनट छोड़ देंगे। तब तक हम यहाँ पे इसके लिए दूसरी तैयारी भी कर लेते हैं। इसके लिए स्टफिंग के लिए यहाँ पे हमने ले लिया है उबले हुए आलू। तो 4 उबले हुए आलू को मैंने मैश कर लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे यहाँ पर बारीक कटा हुआ ग्रीन मिर्च ऐड कर देंगे। साथ ही मैं इसमें ऐड करूँगी 1/2 छोटा चम्मच जीरा। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 छोटा चम्मच से कम थोड़ा सा हल्दी पाउडर और थोड़ा सा लाल मिर्ची पाउडर ऐड कर देंगे और थोड़ा सा इसमें चाट मसाला पाउडर और यहाँ पे ऐड कर देंगे भुना हुआ धनिया पाउडर, थोड़ी सी हींग ऐड कर देंगे और टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें ऐड कर देंगे नमक और थोड़ा सा इसमें डाल देंगे गरम मसाला पाउडर और थोड़ी सी फ्रेश हरी धनिया पत्ती डाल देंगे और इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे बहुत ही सिंपल मसाले का इस्तेमाल किया, जो आपके पास भी किचन में अवेलेबल है आप भी इसे इस तरीके से स्टफिंग को बना करके तैयार कर सकते हैं। और ये लीजिए फ्रेंड, यहाँ पे हमने सभी चीज़ों को बढ़िया सा मिक्स कर लिया है। तो ये देखिए अब अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम यहाँ क्या करेंगे, जो आलू के मिक्सर है इसके छोटे छोटे से हम यहाँ पे बॉल्स बना के तैयार करेंगे नाश्ते के लिए। जब आप इस तरीके से इसके आलू के छोटे छोटे बॉल्स बना के रख लेंगे तो आपका जो नाश्ता होगा बहुत ही जल्दी से बन के तैयार होगा। तो इसी तरीके से हम यहाँ पर छोटे छोटे से इसके बॉल्स बना के तैयार कर लेंगे। ये लीजिए, इसी तरीके से यहाँ पे हम सभी बॉल्स को बना लेंगे। बहुत ही ज़्यादा सिंपल सी ये रेसिपी फ्रेंड, पर खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। ये देखिए, तो इसी तरीके से यहाँ पे हमने सभी बॉल्स आलू के बना के तैयार कर लिए हैं, देख सकते हैं। तो यहाँ पे आलू के बॉल्स बन के तैयार है। तो चलिए फ्रेंड, अब हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं और देख सकते हैं यहाँ पे जो आटा है वो बिल्कुल अच्छे से सेट हो चुका है। एक बार मैं इसे हाथों से अच्छे से मसल लूँगी, इसे थोड़ा सा स्मूथ कर लूँगी चिकना। और ये देख सकते हैं यहाँ पे आटा भी बिल्कुल सेट हो चुका है, एकदम सॉफ्ट हमारा आटा
रेडी हो चुका है। तो अब हम इस आटे की एक बड़ी सी लोई काट लेते हैं, एकदम मीडियम साइज की लोई कट करनी है, ये देखिए। तो चलिए फ्रेंड अब हम इसे बेल लेते हैं। तो आटे को पहले सूखे आटे से थोड़ा सा डस्ट कर लीजिएगा और इसके बाद हम इसे बेल लेंगे। बेलने का तरीका बिल्कुल नॉर्मल है, जैसे आप रोटियाँ बनाते बिल्कुल वैसे ही आपको इसे बेल के तैयार करना है, पर रोटियों से एकदम थोड़ा सा मोटा ही रखिएगा, एकदम पतला बिल्कुल ना बेलिएगा, ये देखिए। तो मैंने इसे बेल लिया, इसके ऊपर डाल देंगे थोड़ी सी तिल डाल देंगे। मैं यहाँ पे ब्राउन तिल का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप वाइट तिल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ी सी फ्रेश हरा धनिया डाल दीजिएगा। अब इसके ऊपर यहाँ पे बेलन से थोड़ा सा बेल देंगे ताकि सभी चीज़ें आटे में अच्छे से चिपक जाएँ। और ये बिल्कुल रेडी है। तो चलिए अब हम इसे कट कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक कटोरी ले ली, सिंपल सी कटोरी, इससे मैं यहाँ पे इसे कट कर लूँगी पूड़ियों जैसा मैं इसे बना रही हूँ, ये देखिए। तो मैंने इसे तीन पूड़ियाँ इसकी बना के ऐसे तैयार कर लिए हैं। तो चलिए अब हम इसे जो आलू की स्टफिंग फ्रेंड मैंने रेडी किया उसे इसके अंदर फिल करते हैं। तो इसे मैंने यहाँ पे इसे पलट दिया, जिस साइड में मैंने धनिया और तिल लगाया था उसे मैं पलट दूंगी और दूसरे साइड में यहाँ पे आलू की स्टफिंग डालूंगी, ये देखिए फ्रेंड। इस तरीके से आलू की स्टफिंग डालते हुए अच्छे से इसको फोल्ड कर लेना है, ये देखिए। और फोल्ड करते हुए इसे राउंड राउंड करेंगे, इसे थोड़ा सा गोल कर लेंगे, ये देखिए। और इस तरीके से ये हमारा एक बॉल्स अच्छे से तैयार हो चुका है। तो इसी तरीके से यहाँ पे हम एक दूसरा भी आपको बना के दिखा रहे हैं, बिल्कुल पहले जैसा। तो यहाँ पे आपको आलू की एक बॉल्स रखनी है और इसे अच्छे से इसमें फोल्ड कर देना, ये देखिए। फोल्ड करने के बाद आप फिर से इसे बिल्कुल पहले जैसा बनाना है, इसे गोल गोल हाथ में घुमाना है, ये देखिए। एक ही हमारा दूसरा भी बॉल्स बन के तैयार हो चुका है नाश्ते का। तो इसी तरीके से यहाँ पे हम सभी को बना के तैयार कर लेंगे। और ये लीजिए फ्रेंड, यहाँ पे हमने सभी को बना के तैयार कर लिया है। तो आप इस नाश्ते को डीप फ्राई करके भी खा सकते हैं या फिर शैलो फ्राई कीजिए। तो मैं इसे बस 2 चम्मच ऑयल में इस नाश्ते को बनाऊँगी बिल्कुल हेल्दी तरीके से, पर यह नाश्ता बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनने वाला है फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड अब इसका नेक्स्ट प्रोसेस भी देख लेते हैं। तो इसे बनाने के लिए यहाँ पे हम ले लेंगे अप्पे पैन। तो मैंने यहाँ पे एक अप्पे कढ़ाई ले ली है और इसमें डाल देंगे यहाँ पर ऑयल। तो मैं इस नाश्ते को बहुत ही कम ऑयल के साथ बना के तैयार करूँगी। और इस तरीके से यहाँ पे ऑयल डालने के बाद यहाँ पे इस बॉल्स को इसमें डाल दीजिएगा। तो इस तरीके से यहाँ एक एक करके हम सभी को डाल देंगे। और इसे आपको कवर करके पकाना बिल्कुल भी नहीं है, इसे आप ऐसे इसे आपको गैस का जो फ्लेम है थोड़ा सा लो टू मीडियम के बीच कर दीजिएगा और लो टू मीडियम के बीच इसको अच्छे से फ्राई कर लीजिएगा, उलटते पलटते जाइएगा ताकि इसमें एक जैसा कलर आ जाए, ये देखिए। तो जब हल्का हल्का सब पकता जा रहा है फ्रेंड तो हम इसे इस तरीके से पलट देंगे, ये देखिए। और बहुत ही प्यारा सा कलर भी आ चुका है। तो इसे आपको पकाने में 15 से 20 मिनट आराम से लग सकते हैं एक बैचेस को। तो एक बैचेस में यह हमारे 12 इस तरीके से बन करके तैयार हो चुके हैं। तो देख सकते हैं बहुत ही प्यारा सा कलर भी आ चुका है। तो बस आप इस ये नाश्ते को गर्मा गर्म प्लेट में सर्व करेंगे और देख सकते हैं इस नाश्ते का जो लुक है वो कितना ज़्यादा टेस्टी, बहुत ही हमेशा हमारा ये नाश्ता बन करके बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो इस नाश्ते को हम यहाँ पे टमाटो केचप के साथ सर्व करेंगे, आप कोई भी चटनी के साथ इस नाश्ते को सर्व कर सकते हैं। और ये लीजिए फ्रेंड, ये हमारा खील का गर्मा गर्म बहुत ही टेस्टी सा नाश्ता बनके तैयार हो चुका है, जो बाहर से बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बना हुआ है। मैं आपको इसे तोड़ के भी दिखा रही हूँ, ये देखिए, बहुत ही यम्मी सा नाश्ता बना हुआ है। अगर आपको रेसिपी पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं फ्रेंड एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।